नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो समय, समय जो है आजकल किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप प्रोग्राम देखने के लिए जो आप टाइम निकालते हैं, कुछ लोगों ने तो अलार्म भी सेट किए होते हैं। मैं कई बार प्रोफेसर साहब के पास बैठी होती हूँ तो लोग कहते हैं कि कई बार हम जो है आपका प्रोग्राम रिपीट भी देखते हैं। रिपीट इसलिए नहीं देखते क्योंकि न्यू एपिसोड नहीं होते, रिपीट इसलिए लगवाते हैं क्योंकि वो प्रोग्राम उनको बहुत पसंद आता है। तो आज का एपिसोड है वो है पितर दोष। पितर दोष जो है, कई बार जोशी जो है बोल देते हैं कुंडली में है पितर दोष, पितर दोष होता क्या है? तो हम पहले अपनी रिवायत ही निभा लेते हैं। जो नीचे आपकी स्क्रीन के नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर लिखे हुए हैं, जब भी आप उन पर कॉल करोगे तो आप जानोगे प्रोफेसर साहब के बारे में, तो आप जानोगे प्रोफेसर साहब जो है आपकी समस्या का समाधान कैसे देते हैं, और जो भी आप समस्या लेके आएंगे उनका समाधान जो प्रोफेसर साहब हैं बहुत प्यार से देंगे। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज का एपिसोड जो है वो पितर दोष के ऊपर है। पितर दोष जो होता है कुंडली में देखा जाता है कि पितर दोष है, तो ये जो पितर दोष है वो है 24 सितंबर से जो शुरू हो रहा है और 8 अक्टूबर तक चलेगा। और प्रोफेसर साहब, जो पितर दोष है आप उसके बारे में आप कहते हो कि मैं लोगों का भला करता हूँ, आप भला कैसे करते हैं? कई बार मैं अक्सर आपके साथ बैठी होती हूँ तो आप जो है लोगों का भला करते हैं, कई बार गोल्ड दे के करते हैं, कभी कुछ दे के करते हैं, लेकिन कुंडली में जो है पितर दोष, आजकल 90% कुंडलियों में पितर दोष है, लेकिन लोग कैसे जानेंगे, कैसे उनको पता चलेगा कि पितर दोष जो है करना चाहिए, पितर दोष का निवारण जो है इन दिनों में ही हो सकता है? तो आप भला 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 करते रहते हैं, तो एक भला और कीजिए ना आज। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आपने बोला कि जिसकी कुंडली में पितर दोष है तो आज भला कीजिए। आपको तो पता ही है श्राद्ध चल रहे हैं, हमने ये प्रोग्राम श्राद्ध से पहले बनाया है, लेकिन क्या पता आपको श्राद्ध के दूसरे दिन या तीसरे दिन मिले, लेकिन श्राद्धों में ही ये प्रोग्राम मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात मैं आप सबको ये समझा दूं, जो पितर दोष का निवारण है इन्हीं दिनों में ही होता है, इन्हीं 15 दिनों में। कई लोग हमसे आके पूछते हैं, प्रोफेसर साहब मुझे बताइए क्या हम श्राद्धों में उपाय कर सकते हैं? अरे मैं सभी बातें ये बोलता हूँ, श्राद्धों में ही किया हुआ दान आपके पुरखों को बुजुर्गों को लगता है जो दुनिया में नहीं रहे। आप सबको मैं ये समझा दूं, कोई भी अगर हम श्राद्ध करते हैं, किसी को मान लीजिए किसी की मृत्यु पहल द्वितीया में हुई, तृतीया में हुई, पंचमी में हुई, और उसके द्वारा ही हम श्राद्ध बनाते हैं कि आपका श्राद्ध इस डेट को बनता है, लेकिन जिसको नहीं पता होता वो अमावस के दिन यानी कि लास्ट श्राद्ध को कर सकता है। अगर पहला श्राद्ध है, कुछ लोगों की विरासत है कि दूध पिलाते हैं, कुछ लोगों की विरासत है कुछ देते हैं, फ्रूट देते हैं, बाद में हम खाना देते हैं, यानी कुछ लोगों की, ये अपनी अपनी मानता है। मैं आपको वहम भरम में नहीं डाल रहा, जो आपकी इच्छा वो कर सकते हो, लेकिन कुंडली के मुताबिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा किया हुआ दान हमारे बुजुर्गों तक जाता है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, किया हुआ दान मृत्यु के बाद भी जाता है, तभी तो हम करते हैं इन्हीं दिनों में। अगर आप पिंड दान करके आते हो, चलो मैं आप सबको ये समझा दूं, गया में एक ऐसी जगह है जहां पे हम पिंड दान करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे चलता हूं। कहते हैं गयासुर नाम का एक राक्षस था, विष्णु भगवान जी ने उसका वध किया। गयासुर ने फिर माफी मांगी, हे भगवान मैं तो राक्षस जाति का हूं, मेरा तो वध हो चुका, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? विष्णु भगवान जी ने पांव रखे उनकी छाती के ऊपर, अभी भी वहां पे मंदिर है जहां विष्णु भगवान जी के पांव के निशान हैं, और गया वहीं पर ही है। आपको एक चीज और बता दूं, वहां एक नदी है, वहीं नदी के किनारे पर बैठ के महात्मा बुद्ध जी ने तप किया था। जितने भी दुनिया में इंसान जाते हैं, वैसे तो दो जगह हैं, हमारी जगह यहाँ पे गया में भी है, जहाँ पे पूरी दुनिया के जितने भी लोग जाते हैं उनका उद्धार किया जाता है। एक चमत्कारी चीज़ बताता हूँ आपको मैं, वहाँ पे जो नदी है उस नदी में, सूखी नदी है वैसे, पानी नहीं है बिल्कुल भी। प्रोफेसर, उस नदी को फाल्गुन नदी बोला जाता है। बिल्कुल सही, फाल्गुन नदी है, लेकिन ये मैंने बाद में बताना था फाल्गुन नाम क्यों बड़ा, कैसे बड़ा, लेकिन इन्होंने बता दिया फाल्गुन नदी है वहाँ पे।
और उस नदी में जो पानी है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पहले पानी होता था जब महात्मा बुद्ध जी वहाँ पे बैठ के तप किया करते थे, पहले पानी, अब धीरे 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 वो नदियाँ नाले सब सूख रहे हैं, धीरे धीरे, हजारों साल पहले की बात है। अभी पानी आता है, इन 15 दिनों में पानी आता है, जब 6 इंच उस रेता को खोदते हो तो नीचे पानी होता है। देखिए इन्हीं 15 दिनों में, हम कहते हैं ना हमारे पास ये सभी बातें हैं, वहाँ जाके देखिए, बातें नहीं ये सच है। जो कोई इंसान वहां जाके पिंडदान करता है तो उनके बुजुर्गों का उद्धार हो जाता है। प्रोफेसर माफी चाहती हूँ, आपने कहा कि बुजुर्गों का उद्धार हो जाता है, कई बार क्या होता है, कई बार किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लोग बीमारी से चले जाते हैं, उनकी जो आत्माएं हैं कई बार भटकती रह जाती हैं, क्या उन लोगों का पिंडदान वहां पे किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है शिफाली जी। अगर हम किसी की मृत्यु होती है, अगर हम वहां जाकर पिंडदान करते हैं तो उनका भी आत्मा जो भटक रही है, पहले मैं आप सबको समझा देता हूं, वैसे मैं इन चक्करों में डालता नहीं हूं, मैं कहता हूं वहम भ्रम से निकलिए बाहर, ये नेगेटिव एनर्जी होती है। जब किसी की अचानक मृत्यु होती है, जब किसी का समय नहीं आता जाने के लिए, तो वो बेचारी आत्माएँ भटकती हैं। इसीलिए वही एक जगह है गया में जहाँ उसका पिंडदान किया जाए उसको मुक्ति मिलती है, यही एक जगह है। और कुंडली के द्वारा देखा जा सकता है कि आपकी कुंडली में कहीं पितर दोष तो नहीं है, आपकी कुंडली में। पहले मैं आपको सबको ये समझा दूं पितर दोष होता कैसे है। गुरु के घर में अगर गुरु के दुश्मन ग्रह आ जाते हैं तो पितर दोष लग जाता है। तो गुरु के दुश्मन ग्रह कौन हो सकते हैं? राक्षसों का गुरु शुक्र, राक्षसों का गुरु का चेला राहु, और बुध, राहु बुध का बिगड़ा हुआ रूप राहु, यानी कि 3 ग्रह जब भी गुरु के घर में आएंगे तो पितर दोष लग जाएगा। अब बोलोगे गुरु के घर में कैसे? अरे भाई, जिन जिन घरों का गुरुदेव कारक है, अगर 12वें घर में आए हैं तो समझ लीजिए पितर दोष लग गया, दूसरे घर में आए हैं तो समझ लीजिए पितर दोष लग गया, 5वें घर में आए हैं तो समझ लीजिए पितर दोष लग गया, 9वें घर में आए हैं तो समझ लीजिए पितर दोष लग गया। इसका मतलब तो 89% कुंडली, 99% कुंडलियों में पितर दोष होता है। अगर लग्न कुंडली में नहीं तो चंद्र कुंडली से होता है, माइंड आपका, दिमाग आपका उधर रहता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जो बंदे वहम भरम नहीं करते, नहीं नहीं हम नहीं इन चीज़ों को मानते, अरे भाई पहले मैं भी नहीं मानता था, जब ज्योतिष में आया तब मुझे पता चला कि साइंटिफिक रीजन से इन चीज़ों का इलाज किया जाता है, साइंटिफिक रीजन से बातें होती हैं। अरे भाई मैंने जब खोज की, मैं जब वहाँ गया, मुझे पता चला कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं, पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे मैं स्टडी करता गया, जैसे जैसे मेरे को पता चलता गया, वैसे वैसे वो मैंने किया सब कुछ, मैं भी करके आया। इसलिए पहले जो हमारे 5000 साल पुराने बुजुर्ग हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते, वो पहले सभी जा चुके हैं वहाँ पे, पिंडदान करके आ चुके हैं, लेकिन हम नहीं करके। जिसकी कुंडली में पता चल जाता है क्या ये दोष है, कुंडली के द्वारा पता चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोष चलता है। चलो आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपकी कुंडली में अगर पितर दोष है तो आपकी बच्चे की कुंडली में 100% पितर दोष होगा। देखिए कुंडली में, आपकी कुंडली में राहु 2, 6, 2 और 5, 9, 12 घरों में है तो आपके बच्चे की कुंडली में इन्हीं घरों में शुक्र का स्थान होगा। ऊपर आपके पोते की कुंडली में या दोते की कुंडली में भी यही ये इन घरों में बुध का स्थान होगा। उनकी आगे औलाद की कुंडली में इन्हीं घरों में राहु का स्थान होगा। राहु शुक्र बुध, राहु शुक्र बुध, ऐसी चलती है पीढ़ियाँ। देखिए आप, तो प्रोफेसर साहब पितर दोष है तो उसका निवारण का कोई उपाय भी तो होगा? बिल्कुल है शिफाली जी, बताएंगे निवारण, जरूर बताएंगे। मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु है, अगर उसके साथ शुक्र बैठा हुआ तो 2 नंबर राशि का है जी, 3 नंबर राशि का अलग फल देता है जी, 5 नंबर राशि का और फल देता है जी, अगर 9 नंबर राशि का बहुत बुरा फल देता है जी। ये अलग अलग फल हैं, लेकिन कुंडली के द्वारा देखा जा सकता है कि पितर दोष में। लेकिन एक चीज और बताता हूं, अगर हम इन दिनों में दान पुण्य करते हैं, उपाय करते हैं, तो हमारा किया हुआ दान हमारे पितरों को जरूर लगता है।
हम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, पहले मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन अब पता चलता है कि वाकई में पितर दोष जो होता है अगर हम नहीं करते तो हमारी औलाद की कुंडली में जरूर आता है। कहते हैं ना, पहले रोटी किसकी निकालते थे हम, कौवे की क्यों निकालते हैं, कुत्ते की क्यों निकालते हैं, ये भी काल के हैं, इनको काल पहले से दिखाई देता है। इसीलिए गाय की रोटी क्यों निकालते हैं, ये बुजुर्ग हमारे ऐसे नहीं देते थे, उनके पीछे लॉजिक होता था, साइंटिफिक रीज़न होता था, लेकिन आज के बाद हम सब भूल चुके हैं, हमें पता ही नहीं है क्या हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप सबको मैं उपाय दूं ऐसे, लेकिन सबको उपाय मैं कैसे दे सकता हूं, हर किसी कुंडली की अलग अलग कुंडलियां, हजार कुंडली मान लीजिए, 1 करोड़ कुंडली है, 1 करोड़ कुंडली के ग्रह कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं नक्षत्र का फल, कहीं ना कहीं नक्षत्र का सब लोड चेंज, कहीं ना कहीं सब लोड का सब लोड चेंज, 1 करोड़ कुंडली भी एक जैसी नहीं होगी, किसी की डिग्री एक लगन की 3 डिग्री होगी, किसी की लगन की डिग्री 4 होगी, किसी की लगन की डिग्री 5 होगी। मान लीजिए किसी की 5 लगन की डिग्री है तो उसकी कला जो होगी वो अलग होगी, अगर मान लीजिए कला भी 6 डिग्री है उसकी वीकला अलग होगी। देखिए हमारी जो कुंडलियां हैं वो कैसे वर्क करती हैं और कितनी बारीकी में वर्क करती हैं, लेकिन लालकताब वाले ये जरूर देख लेते हैं आपकी कुंडली एक जैसी है, ऐसा नहीं है भाई, कुंडली के द्वारा देखा जा सकता है कि वाकई में आपकी कुंडली एक जैसी नहीं, अगर वो प्राचीर ज्योतिष करता है। लेकिन आप सबको मैं फल जरूर दूंगा, मेरी कोशिश होगी आप सबको इन्हीं दिनों में कुछ ऐसा करूं जो आप सबका हल हो सके। प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि जो है पित्त दोष 90% जो 99% कुंडलियों में ही होता है, लेकिन प्रोफेसर साहब इन कुंडलियों का जब पित्त दोष, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हाँ ये श्राद्ध कैसे किए जाते हैं, उनके बुजुर्ग जो हैं वो बता के भी नहीं गए, लेकिन आप बोलते हैं कि गुरु जो है 12वें स्थान में है तो अपने जो बुजुर्गों का हम रीति रिवाज छोड़ देते हैं उनको करना चाहिए, लेकिन ये जो रीति रिवाज हैं ये कैसे करेंगे आप, मतलब उनको तो तिथि पता ही नहीं कि कब डेथ हुई, कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, ये तो ब्राह्मण ही पंडित ही निकालेंगे। मान लीजिए उसकी मार्च के महीने में हुई डेथ, 15 तारीख को हुई, तो उसकी जो तिथि निकलती है 3 निकलती है 4 निकलती है, ये कोई हम कैलकुलेशन करके किताबों में नहीं पता। कई लोग नहीं जाते पंडितों के पास, लेकिन वो किस दिन कर सकते हैं फिर उपाय? अगर किसी को किसी के बारे में नहीं पता, कोई तिथि नहीं है, तो वो अमावस के दिन जो लास्ट श्राद्ध होता है उस दिन आप करके आओगे तो आपका श्राद्ध लगेगा, कुछ भी दान करके आओ, अगर कुंडली के मुताबिक करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं पता तो फल फ्रूट ही कोई बीज वाला दे आइए तो भी आपका जो हल है वो भी निकल जाता है, लेकिन वो हल जो निकलता है तकरीबन 30-40% 25% 30% 40%, लेकिन अगर पूरी तरह हल देखना चाहते हो तो कुंडली में दिखाइए पितर दोष का हल है, उसके पीछे आपने क्या दान करके आना है वो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। प्रोफेसर साहब, मैंने आपसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं देखा, तो आप अब इन लोगों का भला कैसे करेंगे, तो आप कैसे बताएंगे इन लोगों को कि आप श्राद्ध कौन सा कीजिए कौन सा ना कीजिए, कि आपकी कुंडली में पितर दोष है लेकिन आपको श्राद्ध करना जरूरी है, तो आप कैसे भला करेंगे? अब मैं भला कैसे करूँगा, लेकिन इतनी कुंडलियाँ हैं, इतनी कुंडलियों को मैं कैसे देखूँ, किसी की कुंडली में राहु का पितर दोष है, किसी की कुंडली में बुध का पितर दोष है, किसी की कुंडली में शुक्र का पितर दोष है, तो इतने उपाय मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन कोशिश तो मेरी यही होती है कि लोगों का भला करूं, तो सबका भला करना चाहता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबका भला करना चाहता हूं जो टीवी के द्वारा जुड़े हुए हैं अभी तक आए नहीं, वैसे तो मेरी फीस सुन के वैसे कुछ लोग नहीं आ पाते, चलो आज सबका भला करता हूं पितर दोष के बिना, ये जो पितर दोष का है श्राद्धों में सबका भला हो चुका, ये 4 दिन मैं आपको दे रहा हूं सबके लिए, कुछ फीस मेरी अदा करके आप सभी मुझसे मिल सकते हो क्योंकि मैं पूरी दुनिया का भला करना चाहता हूं, कुछ फीस ये 4 दिन सिर्फ, कितनी तारीख 28/9 को, 29/9 को, 30/9 को, हालांकि 30/9 को मेरा चंडीगढ़ में 17 सेक्टर में ऑफिस है, मैं अपना टूर भी कैंसिल कर रहा हूं आपके लिए, और 1/10 को, 1 तारीख 10वां महीना 2018, ये 4 दिन मैं सब आपके लिए दे रहा हूं, मेरी कुछ थोड़ी सी फीस अदा करके आप सभी मुझसे मिल सकते हो। प्रोफेसर साहब, अभी आपने कही भले की बात कि आपने अभी बोला है कि कुछ फीस देकर, अगर ये भी फीस माफ कर देते तो? चलो बहुत अच्छी बात कही, मैंने क्यों बोला कुछ फीस, अगर ये भी फीस माफ कर दूं तो? एक चीज आपको बताता हूँ, आपको दुख लगा है बहुत बड़ा,
मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं बेटा, ये कीजिए दुख दूर हो जाएगा। दुख दूर किसने किया? मेरी जुबान से निकला। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। आपका दुख मेरे ऊपर आएगा। अगर मेरे को भी तंदुरुस्त चाहते हो, इसलिए मैंने कुछ फीस ली क्योंकि आपका भार मेरे ऊपर ना आए। लेकिन मैं भी, ये कुछ फीस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपका भार, आपका वजन मेरे ऊपर ना आए। आपकी एनर्जी मैं तभी ले रहा हूं, नहीं तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। इतना पैसा मैं सबको सबको ऐसे ही देखता रहता हूँ, जो मेरे पास आते हैं सबको पता है। मैं अपने गले से भी पैसे निकाल के देता हूँ, सबका भला भी करता हूँ। ये कुछ फीस इसलिए देता हूँ क्योंकि जो आपका वजन है, जो आपकी बीमारी है, जो आपके कष्ट हैं, मेरे ऊपर ना आए। उन्हीं पैसों से मैं लोगों का भला करूँ, किसी चार बंदों का और भला करूँ, इसलिए ले रहा हूँ, नहीं तो मैं ये भी मत लूँ। शिफाली जी, मैं हर बात को साइंटिफिक रीजन से बोलता हूँ, ऐसा नहीं कभी भी करता जब भी साइंटिफिक रीजन ना हो बीच में। ये भी मैं इसलिए करता हूँ कि इसमें भी आपका ही है। अगर कुछ हम देते हैं तभी हमको बदले में कुछ मिलता है, अगर हम नहीं देते तो हमको कुछ नहीं मिलता, उपायों का फायदा भी नहीं होता। ये आपका भी भला है और मेरा भी भला है। प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि 28 जो सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक आपकी जो फीस है थोड़ी रहेगी, कम रहेगी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा 30 तारीख को आपका चंडीगढ़ का टूर रहता है, तो उन लोगों का भला कैसे करोगे आप? नुकसान वैसे इतनी अपॉइंटमेंट्स होती है, आप मानोगे नहीं, 6 बजे तक हम फ्री नहीं होते। मैं भी आपके साथ ही बैठी होती हूँ लेकिन फ्री नहीं होते, लेकिन आपने, आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो एक एक हफ्ता पहले की होती है, 10-10 दिन पहले की होती है, आप कैंसिल कैसे करोगे इसको? वो मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी, वो उन लोगों को मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं कुछ लोगों का भला कर रहा हूं इसलिए इस संडे मैं नहीं आ सकता। लेकिन आपको पता नहीं है जो मैं वहां से कमाता हूं वो कहां कहां देता हूं। लेकिन आपके लिए मुझे ये भी दिन त्यागना पड़ना था। 17 सेक्टर को मैं चंडीगढ़ को इस 30 तारीख को नहीं आ रहा, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो लोग बेचारे मेरे पास नहीं आ सकते फीस के डर से। आज 4 दिन ये पितरों के दिन पर आपके लिए कुर्बान, और ये आप मुझसे, हर एक इंसान मिल सकता है, अब छोटे छोटा इंसान भी मुझे मिल सकता है और अपना हल करवा सकता है। बहुत आसान छोटे छोटे मात्र उपाय करने से पितर दोष हमारे लिए क्या क्या बनते हैं, हमारे पिंडदान बनती या नहीं बनती, हम कुछ करें या ना करें, ये आपके लिए है। ये छोटे से उपाय कीजिए और देखिए आपका भला कैसे होता है। ये तो भगवान करने वाला, मैं कुछ नहीं करता भाई, ये तो वही करता है जिन्होंने आपको टीवी में प्रोग्राम देखा, जो ये मेरे लफ्ज सुन रहे हैं। मैं कहता हूँ जिसका कुछ अच्छा लिखा होता है वही मेरे पास आएगा, अगर अच्छा नहीं लिखा तो भगवान की कृपा से अभी तक उसकी देर है, भला होने में देर है। हो सकता है कि मेरे छोटे छोटे उपाय यहीं पर सुन के ही ठीक हो सकता है। प्रोफेसर साहब, अभी इन 15 दिनों में जो है हम पितरों को जल देते हैं, हिंदू मान्यता के अनुसार हम पितरों को जल देते हैं, उनकी मृत्यु तिथि पे जो है श्राद्ध भी करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ये भी कहता है कि अगर बेटा अपने माता पिता का श्राद्ध करे तो वो ज़्यादा लगता है, बेटी क्यों नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं बेटा क्यों महत्व है, बेटी क्यों नहीं। वैसे तो दोनों ही, बेटी के बिना गुजारा नहीं क्योंकि बेटी ही माँ बाप को संभालती है। बेटा क्यों? केतु जो होता है मोक्ष की प्राप्ति कराता है, जो केतु होता है वही मोक्ष दिलाता है। केतु होता है पुत्र, अगर पुत्र पिंडदान करेगा तो मोक्ष आपको तभी मिलेगा, वंश आपका तभी चलेगा। इसलिए हमारे प्राणी मानता है कि पुत्र ही वो श्राद्ध करे, पुत्र ही पिंडदान करे, वही अग्नि लगाए तो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है इंसान को, नहीं तो नहीं होती। लेकिन अगर नहीं है तो भी उसके लिए एक उपाय है, वो भी आज 4 दिन जो दे रहा हूँ वो आपके लिए है। आ जाइए, सब कुछ बताऊँगा आप सबको, वो भी साइंटिफिक रीजन के साथ। प्रोफेसर साहब, आपने कभी, हम लोग कुंडलियाँ देखते हैं जब भी, तो कई बार कुंडली में होता है कि बुध जब 9वें में आ जाता है, अगर बेटी हो तो धन लाभ होगा, लेकिन बेटी की उतनी ही इम्पोर्टेंस है, ये नहीं है कि बेटा ही सब कुछ होता है, बेटियां भी बहुत कुछ करती हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर बुध 9वें में आ जाए तो बेटी पहली बात तो होती ही नहीं, अगर हो जाए तो अपने पिता को वो तार देती है। बहुत अच्छी बात की शेफाली जी आपने, जो बुध होता है 9वें घर में हो तो बेटी होगी, तभी भाग्य उदय होगा। बिल्कुल सही बात, ये हमारी ज्योतिष के बारे में बता रही है सीक्रेट, जो मैं कभी कभी यहाँ पे बताने भूल जाता हूँ, लेकिन जो मैं बात के करता हूँ जब मैं कुंडली देखता हूँ तो इनको याद रहता है, तभी यहाँ पे आके बोलते हैं। वैसे एक बात सबको मैं बता दूँ कि जो कोई भी बेटी होती है यही भाग्योदय भी यही बेटी से होता है। क्यों, कैसे? बिजनेस दुनिया का जितना भी है ये बेटी से ही आता है, दुनिया का जितना भी, ये जितने भी शरीर के अंग हैं, गोल हैं, पृथ्वी गोल, चंद तारे गोल, जितने दरख्त पेड़ पौधे सभी गोल,
पेड़ ऐसे शाखाओं में जाता है, पत्तियों से गोल हो जाता है, फूल ऐसे जाता है तीखी तीखी पत्तियों से जब खिलता है तो गोल हो जाता है। दुनिया का ऐसा कोई भी जीव नहीं, जंतु नहीं, पेड़ नहीं, पत्ता नहीं, फल नहीं जो गुलाई में नहीं होता। तो इसके बिना, बुध के बिना कुछ भी नहीं। धरती माँ को भी बुध ग्रह बोला गया है, दुर्गा माता, इसलिए बोला गया है। हमारे जो ऋषि मुनि थे पुराने, बहुत समझदार हुआ करते थे। बेटी के बिना भी भाग्य उदय नहीं होता, भटकता है इंसान। इसलिए जो बाप बेटी और दोनों ही बेटा होते हैं, ये वंश को चलाने वाले होते हैं, कोई भी कम नहीं है। लेकिन पिंडदान मैं फिर भी यहाँ पे कहूँगा कि बेटे के हाथ से ही होना चाहिए। हाँ, अगर कुंडली में अगर आपकी ऐसा नहीं है तो भी आप पिंडदान करवा सकते हो। वो कुछ और तरीके हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ, काले सफ़ेद तिल ही ले लीजिए, साथ में एक नारियल ले लीजिए, आप देख के आइए, जिससे आपका उद्धार हो जाएगा। वो अलग बात है कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर देखा है, कहाँ पर बैठा है। कहीं राहु पंचम में बैठा है, केतु देख रहा है, तो कर सकते हो ऐसा। अगर कहीं नौवें घर में राहु है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि केतु कहाँ आ जाएगा, तीसरे भाव में। यहाँ पे राहु केतु नीच के हो जाते हैं। देखिए, कुंडली में बहुत सी बातें हैं जो कोई नहीं जानता, यही रहस्य खोलता हूँ आप सबके लिए। तो आप सबको खुशखबरी मिल गई होगी, 4 दिन आप सबके लिए मैं ये देता हूँ, इसलिए क्योंकि पितर पक्ष के दिन मैं नहीं चाहता ये जो 15 दिन आए हैं उसमें आप सबका भला ना करूं, सबका भला करना चाहता हूं। उसके लिए मैंने अपनी बहुत सी अपॉइंटमेंट कैंसिल की है, वो भी संडे की भी, जो हमारी पहले से हमारी एक एक हफ्ता अपॉइंटमेंट हो जाती है। लेकिन आप सबके लिए ये अपॉइंटमेंट मैं देता हूँ 4 दिन के लिए, सोमवार तक आप आ सकते हो। प्रोफेसर साहब, जो इस बार जो पितर पक्ष है वो 24 सितंबर से शुरू है और 8 अक्टूबर तक रहेगा, ये दोनों का दिन जो है सोमवार आ रहा है, और जो अमावस्या आ रही है वो भी सोमवार का दिन है। और आपको शायद पता हो कि कौरवों पांडवों के जीवन में सोमवती मस्या आई ही नहीं, जो अब आ रही है। लेकिन इसका महत्व जो है, इसके पीछे की थोड़ी सी गाथा हो जाए, शायद लोगों को इसके पीछे की गाथा नहीं पता। आप सबको मैं समझा दूँ, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, टाइम बहुत, समय आ गया, इशारा पीछे से आ रहा है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कि सोमवती मस्या कौरव पांडव के में नहीं आई जब उनका समय चल रहा था। तो आपको ये भी समझा दूं जी, जो हमारे पितम भीष्म पितामह थे जी, उन्होंने सोमपति मस्या को श्रार दिया था, हमारे युग में आप नहीं आए, तो कलयुग में आप बार बार आओगे। तो यही एक तरीका है कि जो कलयुग में सोमपति मस्या बार बार आ रही है जी, ये सोमपति मस्या लकी होती है। उन्होंने वेट की, लेकिन भीष्म पितामह ने श्राप दिया था सोमपति मस्या को, कलयुग में आप बार बार आओगे, हमारा उद्धार करने नहीं आई तो आपको, वैसे तो स्वर्ग में गए सभी, इसीलिए वो कलयुग में बार बार आ रही है। कई दफ़ा तो ये होता है, मेरे जैसे मैं आप कोई पापी कहूँगा, मैं अपने आप को कभी अच्छा नहीं कहता, मैं अपने आप को ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ये हूँ वो हूँ, क्योंकि मैं भी कहता हूँ कि मेरे हाथ से भी पाप होता है। जब कभी पैदल चलता हूँ तो कीड़े मकोड़े मेरे पाँव के तले दबे जाते हैं, वो हम नहीं करवाते, वो भगवान करवाता है। इसीलिए हम जैसे लोगों को जो कलयुग में पैदा हुए उनका उद्धार करने के लिए भी सोमवती मस्या को बार बार आना पड़ता है, क्योंकि श्राप के कारण। ये एक महत्व है, शॉर्टकट में बताया मैंने, क्योंकि पीछे से इशारा आ रहा था, लंबी बात मैं कर नहीं सकता था, लेकिन ये सीक्रेट बताने के लिए आपके सामने आता हूँ बार बार, और आप सबका भला करने के लिए। प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा बताया श्राद्धों के बारे में, और आज आपने एक सुनहरी मौका भी दे दिया, जो लोग आपके पास नहीं आ सकते वो भी आ सकते हैं अब, क्योंकि बहुत थोड़ी सी मात्र थोड़ी सी फीस देकर भी आपके पास वो आ सकते हैं। आई प्रोफेसर ने ये भी बताया कि केतु जो होता है बेटा होता है, बुध ग्रह होती है बेटी, बुध अगर ना अच्छा हो कुंडली में तो हमारा बिजनेस खराब हो जाता है, अगर केतु अच्छा ना हो तो हमारी औलाद जो है वो भी खराब हो जाती है, वो बिगड़ जाती है, और मोक्ष की प्राप्ति इंसान को नहीं हो पाती। तो अगर आप भी प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में कहीं पितर दोष तो नहीं, तो आपकी स्क्रीन के नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।